स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए से हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। हम इसे स्टडी करेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। सबसे पहले हम इसे स्टडी करेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है? फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट वो वाला इन्वायरमेंट है जिसमें हम कहते हैं रिवर लेक स्ट्रीम्स, मतलब दरिया नदी नाले जो हैं वो आते हैं, और वहां पे जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आसपास जो एरिया है वो क्या है, वो उनका एनवायरनमेंट बना रहा है। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें, जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं फ्रेश वाटर जो है वो प्रेजेंट है, इसके जो फिश है इसके एक्सटर्नल, तो हम कहेंगे कि ये जो बाहर प्रेजेंट है इसे कहा जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये जो फिश के सेल्स फेस कर रहे हैं, सेल्स और इसके आसपास जो टिश्यूज हैं इन्हें हम कहेंगे कि ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब हम बात करेंगे कि ये जो फिशेस हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें वाटर की, तो जो वाटर है वो बाहर, मतलब जो आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पे उसकी कंसेंट्रेशन, मतलब ये कि उसकी जो मिकदार है वो ज्यादा है, और जो सेल है जो इनसाइड इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर है उनमें वाटर की कंसेंट्रेशन कम है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वाटर हमेशा मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, मतलब ये कि जहां उसकी मिकदार ज्यादा है, रिलेटिव कंसेंट्रेशन की बात की जाए कि जैसे हम कंपेयर करते हैं, तो बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा मिकदार में है, उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मूव करेगा इनसाइड पे, मतलब सेल के अंदर की तरफ। और अगर साथ में हम देखें सोलूट्स को, तो सोलूट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, और जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पर जो इनकी कंसंट्रेशन है, हम इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, SOLUTA, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोलूट की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर क्या होगा कि सोलूट जो है वो क्या करेंगे, वो इंटरनल एनवायरनमेंट से वो मूव करेंगे टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, जैसे कि हम फिशेस की बात करें, फिशेस जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो हम डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले जब हमने बात की कि वाटर की, कि वाटर आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो और वो मूव करता है इनसाइड, उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो स्वेलअप हो सकते हैं, मतलब ये कि वो फूल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो वाटर का इंटेक कम से कम करते हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का इंटेक करते हैं जब उन्हें फूड का इंटेक करना हो, मतलब जब उन्हें फूड लेनी हो, और इसके अलावा ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये कि अपनी बॉडी से ज्यादा वाटर को रिमूव करने के लिए ये एक्सक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन, और वो कहाँ से होता है, वो किडनी से होता है। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि ये जो इनका आउटर इन्वायरमेंट है वहां पर सोलूट की कंसेंट्रेशन कम है और इनकी बॉडी में सोलूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो जो दूसरा प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ता है वो ये है कि जो सोलूट है वो मूव करते हैं इनर से आउटर साइड पे, ठीक है, इनर से आउटर साइड जब वो मूव करेंगे तो इट मींस कि जो दूसरी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो है लॉस ऑफ सोलूट। अब इसको कैसे ओवरकम किया जाता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इनके जो किडनी है वो रीअब्सॉर्ब करते हैं सॉल्ट को, उसके अलावा इनके जो गिल्स हैं वहां पर स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है आयोनोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो आयोनोसाइट्स हैं ये क्या है, ये जो है स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो कि सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब ये कि जो उनके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां से वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको लेके आते हैं उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में कि किस तरह से जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं।